हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइक्स फैमिली के रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में वाको वाको लिखना मत भूलना। तुमने ट्विलाइट के शर्ट पे ये पिन को तो जरूर देखा होगा, और ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पे वाइज का लोगो भी दिखेगा। ये असल में लॉर्ड का वर्क प्लेस है, नहीं ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस सर्विस ईस्टर्न कोस्ट डिविजन का लोगो है, और मैंने इसे एक सांस में बोला है, जिसका मतलब होता है वेस्टर्निया और वेस्टेस के बीच पीस मेंटेन करना। वैसे तुम्हें याद होगा लॉर्ड ने अपना लास्ट नेम फोर्जो रखा है, जिस वजह से उनके फैमिली को फोर्जो फैमिली भी कहा जाता है। वैसे फोर्जो वर्ड इन्हें रैंडमली नहीं दिया गया है, फोर्जो वर्ड रेफरेंस है फोर्जरी का, जिसका मतलब होता है फेक, जो कि उनके फेक फैमिली को दर्शाता है। एक बार स्पाई फैमिली राइटर इंदु को पूछा गया उन्हें किस कैरेक्टर की स्किल पसंद है, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें लॉर्ड का स्किल बहुत पसंद है, क्योंकि उसके पास जजमेंट करने का एक्सेलेंट एबिलिटी है, जिससे मुझे ड्राइंग बनाने में और भी हेल्प होगी, और योर के स्किल से मैं जल्दी अरेस्ट हो जाऊंगा, और अन्य के पावर से मैं दिमाग पढ़ पढ़ के बीमार हो जाऊंगा। ये तो था उनका ओपिनियन, लेकिन तुम्हें किस कैरेक्टर की स्किल चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताना। वैसे इंडो ने ट्विलाइट के प्रोफाइल पिक्चर को रिवील किया था, जिसमें उसके अंडरपैंट्स ब्लैक कलर का था। अब एज, फादर, मदर, डेट ऑफ बर्थ ये सब छुपा के इससे क्यों रिवील किया मेरे को नहीं पता है, तुम्हें पता है तो कमेंट में बता देना। वैसे योर और यूरी के बारे में ये फैक्ट है कि वो दोनों बचपन में पहाड़ों में जाया करते थे खरगोश का शिकार करने, हाँ ये उनके लिए कॉमन था। वैसे लगे हाथ यूरी के बारे में भी एक फैक्ट बता देता हूँ। हम सबको बताए कि यूरी अपने नए सन को लेके कितना ऑब्सेस्ड है, वो जिस किसी को भी उन दोनों के बीच आते हुए देखता है तो उसे मारने की धमकी देता है, फॉर एग्जाम्पल लॉयड, और ये उसकी सोशल और जॉब लाइफ दोनों के ऊपर अफेक्ट करती है, क्योंकि यूरी बहुत ही गुड लुकिंग है और औरतों के बीच वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन जब भी उन्हें यूरी के ट्रू पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है तो उनका इंटरेस्ट चला जाता है। तुम्हें ये कैरेक्टर तो याद होगा फ्रांकी, ओरिजिनली वो अन्य के अंकल होने वाले थे, लेकिन इस आइडिया को चेंज कर दिया गया, क्योंकि लॉजिकली देखे तो अन्य का अगर अंकल एग्जिस्ट करते हैं तो लॉर्ड उसे क्यों और कैसे अडॉप्ट करता। तुम्हें अन्य का स्कूल याद है एडन एकेडमी, जो कि रियल लाइफ के कुछ एकेडमी से इंस्पायर्ड है, जिसे इसके कई बिल्डिंग्स ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंस्पायर्ड है। यहाँ हमें एक ब्रिज देखने को मिलता है जो कि रियल लाइफ के ब्रिज ऑफ साय से इंस्पायर्ड है, साथ ही इसका डाइनिंग हॉल ऑक्सफोर्ड के क्रिस्ट चर्च का एक डायरेक्ट इंस्पिरेशन है। स्पाइक्स फैमिली में हमें जेम्स बॉन्ड का काफी रेफरेंस देखने को मिलता है। अगर तुम्हें जेम्स बॉन्ड के बारे में पता नहीं है तो वो एक बहुत ही पॉपुलर स्पाई है फ्रॉम बॉन्ड फ्रेंचाइज। अन्य का फेवरेट शो स्पाई वार्स का मेन कैरेक्टर बॉन्डमैन एक जेम्स बॉन्ड का रेफरेंस है। अन्य का कोड नंबर 007 तो डायरेक्ट सिमिलर है जेम्स बॉन्ड के कोड नंबर से, साथ ही उसका डॉग बॉन्ड का भी बो डिटो सिमिलर है जेम्स बॉन्ड के बो से। अरे मैंने हमारे फेवरेट कोडोमो यानी अन्य के बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो लास्टली अन्य का इंस्पिरेशन, स्पाइक्स फैमिली एडिटर सी ए लिन ने बोला था कि अन्य को इंडो के प्रीवियस वन शॉट के एक कैरेक्टर इसे से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, जो कि मेरे को अन्य के बड़ी बहन की तरह लग रही है। और स्टार्टिंग में अन्य का ऐसा लुक ही होने वाला था, एक 13 या 14 साल की लड़की के रूप में उसे दिखाने वाले थे, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया और अन्य को छोटी बच्ची के तौर पे दिखाया गया। दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग स्पाइक्स फैमिली। आपका फेवरेट फैक्ट और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सयोनारा।